दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की हीला हाली लगातार चलती आ रही है और इसी के चलते यूपी ट्रिपल एससी ने एक और विज्ञापन आज की तारीख में निरस्त कर दिया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा निराशा है, क्योंकि जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, फिर आवेदन करते हैं, सोचते हैं कि अब परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन वो आते आते आयोग ऐसे पदों को, ऐसे विज्ञापन जो लगातार जारी होते हैं, उनको आए दिन निरस्त करते हैं। एक ये भी है आपके सामने, एक एग्जाम्पल TGT PGT का भी है। तो आज जो विज्ञापन निरस्त हुआ है वो कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए जो जारी हुआ था विज्ञापन, उसे रद्द कर दिया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर इस भर्ती को 3 चरणों में विज्ञापन को जारी किया गया था, जिसे पूरा करना था, लेकिन विभाग ने इसे निरस्त कर दिया है। अलग अलग अध्याचन थे, यूपी ट्रिपल एससी ने इसे निरस्त किया है। ये 2006, 2009, 2011 में जारी हुए विज्ञापन थे, इसमें तकनीकी कारण बताकर इस विज्ञापन को निरस्त किया गया है। अब यहाँ पर 15 फरवरी से बाद 60 दिन के भीतर सभी अभ्यर्थियों के जो शुल्क हैं वो उनको वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा बताया है। और आयोग ने कहा है कि 780 पदों को दोबारा से अधियाचन शासन को भेजा गया है। अब इसके बाद अगर अधियाचन को मंजूरी मिलती है तो नए सिरे से एक नया विज्ञापन नए पदों के लिए जारी किया जाएगा और प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।